और एक और सबसे बड़ी खबर, जहां मध्य पूर्व संकट के दौर से गुजर रहा है और इजराइल गाजा जंग ने सीधे पश्चिम को चुनौती दे दी है। सीधे अमेरिका की संप्रभुता पर संकट मंडरा रहा है। मध्य पूर्व में तीन ऐसी घटनाएं हुई हैं जो महायुद्ध के आगाज की मुनादी करती नजर आ रही हैं। मध्य पूर्व के संकट को देखते हुए अमेरिका कैसे एक्टिव हो चुका है। यमन, हुती ने अमेरिकी ड्रोन गिराया है, यह बड़ी खबर सामने आई। अब हुती विद्रोहियों ने यमन के तट पर अमेरिकी एमक्यू रिपर ड्रोन को तबाह कर दिया है। इसे अमेरिका वैसे ही ले रहा है जैसे अमेरिकी बेस पर हमले की घटना को लिया जाता है। सीरिया, F-15 से अमेरिकी अटैक। मध्य पूर्व में चुनौतियों को देखते हुए अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों से पूर्वी सीरिया में चरमपंथी गुटों के ठिकानों पर हमला किया है और बताया जा रहा है कि इनको ईरान का समर्थन मिल रहा था। मध्य पूर्व में B-1 बॉम्बर का मिशन और तनाव को देखते हुए मिडिल ईस्ट में अमेरिका B-1 लांसर फाइटर जेट ने उड़ान भरी है। इस उड़ान के गहरे अर्थ भी निकाले जा रहे हैं, इसीलिए इसी सबसे बड़ी खबर का रुख करते हुए अब अमेरिका के उसी एक्शन को लेकर बात करूंगी, क्योंकि मध्य पूर्व में जिस तरीके से ये एक्टिविटी हो रही है, डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं, इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका का सीरिया में ये एक्शन है जहां पूर्वी सीरिया में हवाई हमले हुए हैं और हथियार डिपो को तबाह किया गया है। दो अमेरिकी F-16 ने हमलों को कैसे अंजाम दिया, तस्वीरें आपके सामने। हालांकि सीरिया में F-16 से तबाही को लेकर चर्चा भी करूंगी, क्योंकि सीरिया के अलग अलग ठिकानों पर जिस तरीके से अभी तक हमलों को अंजाम दिया गया है, अमेरिका का सीरिया में ये अब एक्शन देखने को मिला है। यूएस के कई सैन्य बेस जिन्हें अभी तक टारगेट किया गया है, लेकिन सीरिया में अब F-16 से मचाई जा रही तबाही को लेकर यह सबसे बड़ी खबर, जहां सीरिया के अल जोर में अमेरिका का यह मिशन है। अमेरिकी सेना ने घंटों तक इस साइट पर नजर रखी। रात को दो F-16 ने हथियार डिपो पर बॉम्ब गिराए, हथियार डिपो से आग की लपटें उठती हुई नजर आई। ईरान समर्थित मिलिशिया इलाके में यह ज्यादा एक्टिव नजर आए। हालांकि ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड करता था इस हथियार डिपो का इस्तेमाल, और एक सैन्य अधिकारी ने पत्रकारों को भी एक कॉल में यह बताया कि दिन के दौरान लोगों को गोदाम में देखा गया, क्योंकि अमेरिकी सेना घंटों तक इसी साइट पर नजर रखे हुए थी। तो जिस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया गया है, उसकी डिटेल जानकारी भी हमने आपको दी। इस बीच आपको बता दूं, अमिताभ सर इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अमिताभ सर, इन हमलों को अब किस तौर पर देखा जाए, ये जानते समझते हुए कि आखिर किस तरीके से इन ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, जहां हमास के खात्मे में पहली कामयाबी IDF हासिल कर चुकी है यह दावा कर रही है। वहीं जाहिर सी बात है, अमेरिका का घेराव मध्य पूर्व में हर स्तर पर करने की अब कोशिश की जा चुकी है। देखिए, हमास को खत्म कर देंगे, ये हो सकता है कुछ टेम्पररी दिनों के लिए खत्म कर दें या कुछ महीने, लेकिन हमास या उसकी आइडियोलॉजी वाले जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं, उनका खात्मा मुश्किल होगा। ये रही पहली बात। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो बकरजाल जो टनल्स का आप दिखा रही हैं, इसमें ये भी हो सकता है कि अमेरिकन या इजरायली हॉस्टेजेस फंसे हों, और उसके लिए 500 अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस भी यहाँ हैं। उनका स्टेटस क्या है, वो कैसे ऑपरेट कर रही है, ये कोई डाइवर्ज नहीं कर रहा है। तीसरी बात, जो अमेरिका का जो पूरे वेस्ट एशिया में पॉलिटिक्स है, वो रिवॉल्व करता है फेलिस्टीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेके, और सारे वेस्ट एशियन स्टेट्स ये मान के चलते हैं कि अमेरिका इजराइल का पक्ष लेगा, और जो आने वाले संडे को OIC की मीटिंग होगी वो बहुत क्रूशियल होगी कि OIC या वेस्ट एशिया के स्टेट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। अमेरिका इस समय पूरा इस बात पे ध्यान दिया है, अमेरिकी पॉलिटिक्स इस अराउंड रिवॉल्व कर रही है कि जो हॉस्टेजेस अमेरिकन है उनका हश्र क्या होता है, उनको छुड़ाया जाता है कि नहीं, और इजराइल उसमें सफल हो पाता है कि नहीं। अगर हमास ने उनको किडनैप किया है और हॉस्टेजेस बना के रखा है, तो जाहिर है वो इन्हीं किसी टनल्स में होंगे, उनका हश्र क्या हो रहा है। और बात ये भी आई है कि कुछ को हमास ने छोड़ने के लिए एक तरह से मसौदा दिया है इजराइल को कि कुछ हॉस्टेजेस को हम छोड़ देते हैं, कुछ युद्ध विराम किया जाए, इसके लिए इजराइल तैयार नहीं हो रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन रिवॉल्व करते हैं अमेरिका क्या स्टैंड लेता है इस समय। सीज फायर को तो इजराइल पूरी तरह से रूल आउट कर ही चुका है, लेकिन अमेरिका के कहने पर वो पॉज करने को भी तैयार नहीं है, इसीलिए